हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत दशक रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, ड्रीम फील्ड एक्सप्रेसवे का, स्टेशन पुनर्विकास का और लास्ट मील कनेक्टिविटी का, जिससे देश आज तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी क्रम में 6,700 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं NH-47 पर 4 लेन हरदा से टीमा गांव तथा चिचौली से बैतूल 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे इंदौर और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी, साथ ही हरदा और बैतूल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पाद को नई मंडियों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा। NH-47 पर ही इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर 4 लेन शेष भाग के निर्माण से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से झाबुआ, मंदसौर और धार जिलों में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्घटना संभावित माचलिया घाट के ज्यामिति सुधार से 1 घंटे का सफर केवल 10 मिनट में पूरा होगा। NH-752 पर देवास से उज्जैन तक 4 लेन मार्ग बन जाने से उज्जैन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। NH-552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से उज्जैन, आगर, झालावाड़ से राजस्थान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और साथ ही नलखेड़ा ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर तक पहुँच सुगम होगी। आज ही लोकार्पण हो रहा है होशंगाबाद जल प्रदाय परियोजना का। इस परियोजना से लगभग 62,735 हितग्राही लाभान्वित होंगे। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण और बरखेड़ा बुदनी इटारसी रेलखंड पर 3री रेल लाइन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, जिससे यात्रा समय में बचत होगी। साथ ही कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज आवाजाही होगी। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर के साथ यार्ड रिमॉडलिंग से इटारसी यार्ड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा। साथ ही टारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को फ्लाईओवर से बाईपास किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि चौड़ा फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय आदि। इन परियोजनाओं से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी, महाकाल की नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और तेज होगी, जिससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की मंडी तक पहुंच सुगम होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमृतकाल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक सशक्त भागीदार बनकर उभर रहा है।